चार बाजे चावल दो। कितने लोग हैं? एक किलो तो चावल तो चावल कम है? कम नहीं पूरे हैं। कम ही है? अरे पूरे हैं। अरे कम है? अरे नहीं यार पूरे हैं। पूरे हैं? अरे नहीं। अरे पूरे नहीं हैं। नहीं है पूरे हैं? पूरे हैं। ये पूरे नहीं है? कम नहीं है पूरे हैं। अरे पूरे नहीं है। अरे भाई पूरे हैं। मैंने इनको चावल एक किलो दिया, ये बता रहे कम है। अरे मैं ना देखूं, मैं अभी तराजू से नाप कर देखता हूँ भाई। ये चावल पूरे हैं, और अगर हमें किसी भी चीज को लें या दें तो हमें तराजू से तोल कर लेना और देना चाहिए, ठीक है? तो आगे से इसके लिए कभी मत लड़ना, ठीक? जोर से बोलना दोनों, ठीक? 3 2 1 गो। अरे चलो दोस्त, मैच नापते हैं। लंबाई नापते हैं। चार बीते क्या हुआ? चार बीत दो चौवा है। अरे नहीं, चार बीते क्या हुआ? चार बीत दो चौवा है। चार बीते क्या हुआ है? चार बीत दो चौवा है। चार बीते क्या हुआ? चार बीत दो चौवा है। अरे चार बीते चार बीत दो चौवा है। चार बीते चार नहीं क्यों कर रहे हो? हमने मैच की लंबाई नापी, चार बीत दो चौवा है। अरे हमने नापी तो चार बीत एक चौवा है। मैं अभी नापता हूँ कि इस मैच की लंबाई कितनी है। इस मैच की लंबाई पूरी पूरी 1 मीटर है, और अगर हमें किसी भी चीज को नापना है तो हमें मीटर पैमाने से नापना चाहिए, समझ गए? हम लोग इसके लिए कभी नहीं लड़ेंगे। तुमको हम टाइम बताएं? बताओ। डेढ़ बज गया। अरे बहनों क्यों लड़ रही हो? अरे हम बोल रहे हैं कि ढाई बज गया, ये बोल रहे हैं कि डेढ़ बज गया। मैं अभी तुमको सही समय बताता हूँ, 2:14 हो गए हैं, और अगर हमें समय की ठीक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें घड़ी की आवश्यकता होती है, समझ गई? जी। अगर किसी भी वस्तु को तोलना हो तो उसे हम किलोग्राम में तोलते हैं, और अगर किसी भी लंबाई को नापना है तो उसे हम मीटर में नापते हैं, और अगर समय को हम नापते हैं तो सेकंड में, यानी कि समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। अगर यानी कि किसी भी चीज को तोलने, नापने या समय देखने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। आपने देखा होगा कि बच्चे लंबाई के लिए लड़ झगड़ रहे थे, वजन के लिए लड़ झगड़ रहे थे, समय के लिए लड़ झगड़ रहे थे। अगर हमारे पास सही उपकरण या सही साधन हो तो हम उस लंबाई का, वजन का या समय का सही पता लगा सकते हैं, इसलिए हमें मापन की आवश्यकता हुई, समझ गए सब लोग? जी।